Hi students, today we are going to see the chapter for the standard 9th. Oh, standard 9th के लिए part 2 का first chapter means textbook में 6th number का lesson है जिसका नाम है classification of plants. Today we are going to see this lesson. Okay, so let's start. तो क्या है देखो, can you recall मैं आपको first question पूछा है, how have living organisms been classified? तो अब जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे क्लासिफाई किए गए, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम, ये सब चीजें क्या किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंगी ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज बाय द रॉबर्ट विटेकर 1969 for the study of living organisms. In this standard we are going to see the kingdom plantae. तो हम इस standard में kingdom plantae देखेंगे और next standard में मतलब 10th में क्या है, animalia kingdom है आपको. So let's start kingdom plantae. Okay. In a textbook on page number 75, यहाँ पे can you tell me, आपको first question पूछा है, which are the special cell organelles that differentiate plant cells from animal cells? तो आंसर क्या आता है देखो, द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स विद द सेल वॉल इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉफिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल. लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्लांटे आर द मेन सोर्स ऑफ द फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो आप सभी को पता है हम सब फूड के लिए क्या प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है. ओके, सो क्या है देखो, सभी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है. और प्लांट क्या करते हैं, खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं स्वयंपोषी होती है. ओके, स्वयंपोषी होते हैं, वो खुद का फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं. सो दे कैन परफॉर्म द फूड यूजिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. और प्लांट सेल में जो क्लोरोफिल होता है उसके हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड खुद बना लेते हैं. बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ये जो किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है, ये आपको दिया है यहाँ पे. सो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स इज द फर्स्ट क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. मतलब क्या है देखो, ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये प्रेजेंट है कि नहीं उस प्लांट में, ये देखा गया है. नेक्स्ट फैक्टर क्या है देखते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड. मतलब उसमें जाइलम एंड फ्लोएम, जो वाटर एंड फूड प्लांट के रूट से अपर पार्ट तक फ्लो करते हैं, वो प्रेजेंट है कि नहीं, ये सेकेंड फैक्टर है. देन द नेक्स्ट फैक्टर क्या दिया है देखो, डू द प्लांट्स बियर सीड्स, क्या प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स सीड्स बियर करते हैं क्या, मतलब प्रेजेंस ऑफ सीड्स और नॉट, ये थर्ड पॉइंट है. देन इफ दे डू, देन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन फॉर द क्लासिफिकेशन. तो क्या है देखो, सीड्स वाले प्लांट्स है तो उनके सीड्स फ्रूट के अंदर है, मतलब अंदर है, एनक्लोज्ड है, अदरवाइज आउटर मतलब बाहर है, ये भी क्या किया है क्लासिफिकेशन में देखा गया है. ओके, फाइनली प्लांट्स आर ग्रुप्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स इन द सीड. तो फाइन मतलब क्या, उसमें जो दल रहते हैं बीज के वो कैसे है ये देखा गया है. एट द हायर लेवल ऑफ द प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड फॉर द क्लासिफिकेशन. और उस हायर लेवल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन में क्या देखा गया है उसके साथ ही, एग्जाम्पल डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज अ क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स. ओके, अगर उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं तो वो क्या है, क्रिप्टोगैम्स है, और नहीं आते हैं, दे डू नॉट हैव फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड्स, देन दैट आर फेनेरोगैम्स. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट और नॉट, फेनेरोगैम्स आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन्स इन सीड.
तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बुक में जो पेज नंबर 79 के ऊपर एक चार्ट बनाया है, इससे आप बहुत ही इजीली किंगडम प्लांटे देख सकते हो। तो हमने क्या देखा अभी, किंगडम प्लांटे देखा, उसमें क्या है, क्रिप्टोगैम्स है, फेनोरोगैम्स है। तो क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिनको फ्लावर नहीं होते हैं, सीड्स नहीं होते हैं, फ्रूट्स नहीं होते हैं, ये प्लांट्स क्या है, क्रिप्टोगैम्स के अंदर रहते हैं। तो और फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब क्या, फेनेरोगैम्स। ओके, तो क्रिप्टोगैम्स में तीन पार्ट है, मतलब तीन डिवीजन आते हैं। डिवीजन फर्स्ट में थैलोफाइट आता है, सेकेंड में ब्रायोफाइट आता है, एंड थर्ड में पेट्रिडोफाइट आता है। वेयर एज इन फेनोरोगैम्स, फेनोरोगैम्स में क्या होता है, देखो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स मतलब क्या है, इनके जो सीड्स है वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, नेक्ड होते हैं। और एंजियोस्पर्म्स मतलब क्या, इनके सीड्स के ऊपर एक कवर रहता है, सो दैट प्लांट्स आर अंडर द एंजियोस्पर्म डिविजन। ओके, सो एंजियोस्पर्म में अगेन टू टाइप्स है, डाइकोटिलीडॉन्स एंड मोनोकोटिलीडॉन्स। तो डाय मतलब दो द्विदल वाले, और मोनो मतलब एक ही सिंगल दल जो होता है, उसे मोनोकोटिलीडॉन्स बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में डायकॉट और मोनोकॉट भी बोलते हैं। ओके, सो सियर क्रिप्टोगैम्स में हम फर्स्ट डिवीजन देखेंगे, जिसका नाम है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा मतलब क्या, ये देखते हैं हम पहले। सो दीज प्लांट्स ग्रो मेनली इन वॉटर, ये प्लांट्स ज्यादातर क्या, मेनली कहाँ पे ग्रो होते हैं, वॉटर में ग्रो होते हैं। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, बट आर ऑटोट्रॉपिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड अल्गी। तो क्या है, देखो ये मेनली ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ओके, जो उनके बीच, उनके अंदर सेल मतलब क्या, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, तो वो अपना फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन उनको रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स नहीं, हमें स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं होते हैं। ओके, जो कौन से अंडर आते हैं, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्गी, अल्गी मतलब शैवाल बोलते हैं हम उसे। तो देखो अल्गी शोज ग्रेट डाइवर्सिटी, तो अल्गी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है। ओके, दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, वो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, अदरवाइज मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज, और वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी। छोटे मतलब आपको अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप उनको क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। एग्जाम्पल ऑफ अल्गी आर स्पायरोवेरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, सरगैसम, दीज आर सम एग्जाम्पल्स। ओके, सम ऑफ दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर वाइल सम आर फाउंड इन सलाइन वाटर। तो ये क्या है, फ्रेश वाटर में भी आपको मिल सकते हैं, अदरवाइज सलाइन वाटर में भी आपको ये मिलते हैं। ओके, इसमें से थोड़े सलाइन वाटर में आपको देखने को मिलते हैं। सो द नेक्स्ट, देखो दीज प्लांट्स यूजुअली हैव अ सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। इनकी बॉडी कैसी रहती है, सॉफ्ट रहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, और फाइबर लाइक बॉडी रहती है उनकी। सो वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी लाइक ईस्ट एंड माउल्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। ये क्या है, उल्वा है, ये चारा है, ये ये क्या है, स्पायर वगैरह है। सो ये स्पायर को देखने के लिए आपको क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या है, जरूरत है। प्लांट्स ऑफ द थैलोफाइटा डिवीजन। ओके, नाउ डिवीजन सेकंड, ब्रायोफाइटा। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वॉटर फॉर रिप्रोडक्शन। तो इस डिवीजन को, ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे ग्रो इन वॉटर एज वेल एज ऑल ऑन मॉइस्ट सॉइल। दीज प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टी सेल्यूलर एंड ऑटोट्रॉपिक। सो ये प्लांट्स क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि खुद का फूड ये खुद बनाते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटास इज फ्लैट रिबन लाइक लॉन्ग विदाउट अ ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, तो इनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, देखो फ्लैट रहते हैं वो, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, रियल ट्रू रूट्स नहीं दिखाई देते हमें। आपको डायग्राम में पता चलेगा, जो नेक्स्ट पेज पे डायग्राम दी गई है, मैं वहां पे आपको दिखाती हूँ। इंस्टेड दे हैव स्टीम लाइक और
लीफ लाइक अ पार्ट्स एंड रूट्स लाइक अ राइजोइड्स। ओके, तो यहाँ पे इनको जो रूट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट लाइक, रूट जैसे जो यहाँ पे इन प्लांट्स में आपको जो ऑब्जर्व होता है उसे राइजोइड्स बोलते हैं। दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, और इनमें स्पेशल टिश्यूज नहीं रहते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। उनके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए है, एग्जाम्पल्स आर मॉस यानी फ्यूनारिया, मर्केशिया, एंथोसिरोस रिक्सिया। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्रायोफाइटा। सो ऑन द नेक्स्ट पेज दे आर गिवन द डायग्राम्स। सो सी हियर, यहाँ पे फ्यूनारिया, यहाँ पे उसका पिक्चर दिया है। तो ये जो है ये थ्रेड लाइक स्मॉल आपको दिख रहे हैं फाइबर्स, वो क्या है, राइजोइड्स है जो लाइक अ रूट। ओके, दे आर लाइक अ रूट। लीफ लाइक अ पार्ट्स, मुझे ये जो है दिख रहा है आपको, ये पार्ट है जो कैसे है, लीफ की तरह है। ओके, लीफ लाइक पार्ट है। सो दिस इज अ स्टॉक एंड कैप्सूल। ओके, नाउ हियर मर्केशिया। सो मर्केशिया क्या है, देखो यहाँ पे उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या है, उसके राइजोइड्स है। इसका शेप देखो लाइक अ लीफ है, सो लीफ लाइक पार्ट, एंड ये है स्टॉक है और ये क्या है, कैप्सूल है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो एंथोसिरोस, यहाँ पे भी लीफ लाइक पार्ट दिखाई देता है और आपको, और ये क्या है, कैप्सूल्स है। ओके, सो दीज आर द प्लांट्स ऑफ द ब्रायोफाइटा डिविजन। सो सी हियर, नेक्स्ट थर्ड डिविजन है, ये क्या है, पेट्रिडोफाइटा। तो इसमें क्या है देखते हैं हम, प्लांट्स फ्रॉम दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीव्स एंड सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। तो यहाँ पे देखो ये प्लांट्स है, ये वेल डेवलप्ड रहते हैं, इनको इनके रूट्स डेवलप हुए होते हैं, स्टेम्स एंड लीव्स ये क्या है, डेवलप हुए होते हैं, इनमें सेपरेट टिश्यूज रहते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। बट दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, बट इनमें भी क्या नहीं रहते हैं, फ्रूट्स नहीं रहते हैं, फ्लावर्स नहीं रहते। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फॉर्म अलोंग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ देयर लीव्स। इनके जो ये लीव्स रहते हैं, इनके पोस्टीरियर सरफेस मतलब बैक सरफेस पे क्या रहते हैं, छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, उस पोर्स की मदद से वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए है देखो, फर्न लाइक नेफ्रिलोपिस, ओके, मार्सेलिया टेरिस, इक्वेसेटम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम। ओके, ये क्या है, इसके थोड़े एग्जाम्पल्स है। सो दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअली बाय जायगोटे फॉर्मेशन, दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम।